ग्रोथ 2 में बहुत कुछ देखने को मिलता है। अगर आपको थ्रिलर्स पसंद है, एस्पियनाज, इंट्रीग बहुत है, प्लॉट ड्रिवन है और बहुत बारीकियों से चीज़ें अनरावल होती हैं, इन्वेस्टिगेटिव पीस है, तो एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा गया है और इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। तो उसको कैसे हमारी फोर्सेस, हमारे डिपार्टमेंट्स उसको कैसे पकड़ते हैं, उसको कैसे न्यूट्रलाइज़ करते हैं और ओवरपावर करते हैं। तो अवरोध 1 जिसने देखा है तो कुछ कैरेक्टर्स कंटिन्यू हो रहे हैं, लेकिन ये स्टैंड अलोन अलग कहानी है, नई कहानी है और इस बड़े समुंदर का मैं छोटा हिस्सा हूँ। देखिए, एक चैप्टर से इंस्पायर्ड है लेकिन फिक्शनलाइज्ड है मेरे जहन में जितना आता है। बट मेरा जो कैरेक्टर है एहसान वज़ीरी, एक पाकिस्तानी बॉर्न एक्स बैंकर, एक्स प्रोफेसर है। इसकी तालीम, इसकी एजुकेशन इंटरनेशनली हुई है, यूरोप, यूके, अमेरिका, और एक बहुत ग्लोबल एक्सपोजर बहुत है। लेकिन कुछ है जो ऐसी बात है जिससे वो हिंदुस्तान से नफरत करता है। इसका जो मुद्दा है, इसने जो कॉज जस्टिफाई किया हुआ है, उसको, इस देश को तबाह करना है। और वो क्या रचता है, वो क्या पूरा प्लानिंग करता है, स्ट्रेटजी, टैक्टिकल, फाइनेंशियल टेररिज्म को लेकर, उसका जो मोड ऑफ टेररिज्म ये नहीं है कि ब्लडशेड एट द बॉर्डर, उसका मानना है कि आप कितने लोगों को मार लोगे, लेकिन एक दीमक की तरह अगर आप अंदर से किसी देश को खोखला कर दो तो उसका तो बहुत एक अगली, एक ख़तरनाक, एक डार्क थिंकिंग माइंड है, और वो देखने को मिलेगा। एज एन एक्टर बहुत एक्साइटिंग था, एज एन इंडिविजुअल स्कैरी भी। तो खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा किरदार निभाने को मिला। एक्चुअली पर्सनली तो ज़्यादा डिसरप्शन नहीं हुई थी, तकलीफ नहीं हुई थी, बिकॉज ऑनलाइन पेमेंट्स अवेलेबल थी। लेकिन हाँ, जान पहचान में मैं कहूँगा ज़्यादा जो स्टाफ आपका, उनकी फैमिली जो गांव में रहती है, उन तक पैसा पहुंचाना, उनकी, वो काफ़ी लोग बैंकिंग नेटवर्क में नहीं थे, फिर वो आए बैंकिंग नेटवर्क पे, और दूर दूर किसी की मदद करना वगैरह वगैरह, फिर वो UPI पेमेंट्स वगैरह आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई। लेकिन हाँ, 4 घंटे का वक्त था तो तकलीफ तो सबको पहले थोड़ी एक नॉलेज, क्योंकि वो उन्होंने रूल भी बदलते रहे, जैसे बिकॉज डिस्ट्रप्शन इतनी हो गई, एसेंशियल्स आपके पेट्रोल है, सब्जी है, फल है, किचन तो चलना है, तो उस हिसाब से थोड़ा पैनिक काफ़ी था, लाइनें बहुत लंबी थी, सुविधाएं थोड़ी डिस्ट्रप्ट हुई, लेकिन इतना बड़ा चेंज तो डिस्ट्रप्शन थोड़ी होनी ही थी। लेकिन जितना कम से कम मेरा जो स्टाफ और जितने लोगों की जो मदद कर सके, वो सारे बैंकिंग नेटवर्क में आ गए, तो आज उससे थोड़ा फ़ायदा ही है उन सबको, हमें भी सहूलियत है, आसानी है। आज उनको घर में पैसा भेजना हो, तबीयत ख़राब हो, और देखिए कोविड के वक्त तो बहुत मदद इसी के ज़रिए, हम नेट बैंकिंग और ऑनलाइन, दूर दूर कस्बों में किसी की मदद करनी हो और लोग फंसे पड़े थे तो ऑनलाइन पेमेंट्स बहुत फ़ायदा हुआ। तो उस डिसरप्शन में फ़ायदा भी निकला, लेकिन उस वक्त तो ऑफकोर्स बहुत मुश्किलातों से लोगों को गुजरना पड़ा। नहीं, मैंने नहीं कहा रियल बेस्ड है, एक बुक का एक चैप्टर है, उससे इमेजिन किया गया है। तो मेरे हिसाब से फिक्शन जो क्रिएट किया गया है, लेकिन इतनी इंटेलिजेंस से क्रिएट किया गया है कि इतना डिटेल में काम किया है, तो वो दर्शक बताएंगे उनको कैसा लगा। लेकिन चैलेंजिंग जो है वो, देखिए कभी भी कुछ आप काम कर रहे हैं, मैं चैलेंजिंग वैसे शब्द कम ही इस्तेमाल करता हूँ, कि होना चाहिए थोड़ा, अब पहाड़ चढ़ना तो थोड़ा चैलेंजिंग तो होगा, लेकिन आप अपने को इक्विप करते हैं, उससे तैयारी करते हैं, ऐसे तो नहीं कि बिस्तर से उठे और पहाड़ चढ़ लिया, है ना। तो शेरपा तो नहीं हूँ मैं तो या एक्टर, तो कहीं ना कहीं तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपको समुंदर में तैरना है तो पानी में तो उतरना पड़ेगा ना, तो ये तो काम है हमारा एज एक्टर्स, तो अगर चैलेंजिंग नहीं रहा तो उसमें मज़ा भी नहीं आता।
देखिए बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं, मोहन सर, मोहन अगासे सर, नीरज कभी, अनंत महादेवन, जिन्होंने मुझे डायरेक्ट भी किया है दिल विल प्यार व्यार में, आहना कुमरा, अबीर जो हमारे लीड हैं, बहुत अच्छी कास्ट है, सब अपने सबने अच्छा काम किया हुआ है। कई लोगों ने तो इतने 20-25 साल से इतना बेहतरीन काम किया है। तो राजेश खट्टर साहब, जिनके साथ ज़्यादा मेरी इंटरेक्शन है, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में। एंड आई एम मिसिंग हिम हियर, बट इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस राजेश सर, थैंक यू फॉर अलाउंग मी टू प्ले एहसान वजीरी विद ईज। एहसान के लफ्ज़ों में कहना मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, आप, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत सालों बाद ऐसा कोई किरदार नेगेटिव करने को मिला। उम्मीद करता हूँ आपको एहसान वजीरी, आप उससे इतनी नफरत करेंगे कि एज एन एक्टर वो मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। घर पे एक्चुअली सब खुश थे कि हमेशा मुझे काफ़ी पॉजिटिव रोल्स में देखा है, तो कहा कि इस बार पाकिस्तानी, क्योंकि मैं देखिए कश्मीर से हूँ, तो मैंने टेररिज्म को बहुत नज़दीकी से देखा है, तो अब एक पाकिस्तानी प्ले करना और जो टेररिस्ट है, और तो वो घर में भी उन्हें पहले लगा अरे अच्छा, तो लेकिन वो मी एज एन एक्टर सपोर्ट करते हैं, तो वो भी काफ़ी उम्मीद लेकर ही 24 तारीख का एक्चुअली वेट कर रहे हैं, इंतज़ार है उन्हें 24 तारीख का, उन्हें उम्मीद काफ़ी है इस शो से, मुझसे भी। थैंक यू।